सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं आया हूँ प्यारी प्यारी सी वादियों में, नेचर नेचर की ओर आया हूँ। और नेचुरल दृश्य को देख करके मेरे मन में बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ खींचा चलाता हूँ पंछियों के बीच में, जानवरों के बीच में। काफ़ी अच्छा लगता है हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में, क्योंकि इंसानों के बीच में तो रोज़ लोग रहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ जब अकेले आप रहेंगे ना, तो अपने आप को कैसा फील करेंगे आप, एक बार जा कर के देखिए। अकेले खुद से कई सारे सवाल करिए कि ज़िंदगी में क्या करना है, है ना? बहुत सारे सपने भी होंगे आपके भी, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरा करना है किसी भी हर हाल में। बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में आपको रोकेंगे टोकेंगे आपके सपनों की ओर बढ़ने से, और आप जो चाहते हैं ना वही करिए ज़िंदगी में। दूसरों की बात सुनेंगे ना तो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं भी सपना देखा हूँ कभी कभी, मैं बहुत सारे सपने देखता हूँ। कभी आईएएस बनने का जुनून आ जाता है, कभी आईपीएस बनने का जुनून आ जाता है, लेकिन कभी कभी डांस करने का मन कर जाता है, कभी कभी गाना गाने का मन कर जाता है। बहुत सारे सपने हैं अपने अंदर, लेकिन अब देखिए वो कहा जाता है ना कि आगे चल करके एक ही को करियर बनाना है, अगर करियर बनाना है तो सबसे अच्छा मुझे लगता है म्यूजिक में। मतलब मुझे गाना भी पसंद आता है और बजाना भी पसंद आता है, लेकिन बजाने में मज़ा बहुत आता है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए मैंने, मेरे पास कैसियो भी है, यमाहा का कीबोर्ड भी है, वो सब मैं बजाता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छे से नहीं बजाने आता है, अभी मैं सीख रहा हूँ, मतलब प्लेइंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं सीखता हूँ रोज़। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उसमें करियर बना पाऊँगा ज़्यादा अच्छा, और पढ़ाई भी मेरा अच्छा ही रहा है शुरू से ही, और पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे डिसीजन मजबूत होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अकेले में जाएंगे ना, तो अकेले में आपको बहुत सारे सवाल आएंगे मन में, और कि करें कि ना करें, बहुत सारे। तो उसमें आप अकेले जब रहेंगे ना, तो दूसरे से पूछ करके डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, खुद से आप डिसीजन ले सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप अकेले रहेंगे ना, तो आपको आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल रहेगा खुद से डिसीजन लेने का, दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपको बनाना है, आपकी लाइफ आपको बनाना है, फिर दूसरे से क्यों पूछना ये बताइए। दूसरे से सलाह लेकर काम मत करिए अगर आगे बढ़ना है तो खुद से डिसीजन लीजिए। बाकी मैं भी सोनभद्र दुद्धी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है सोनभद्र। और फ़िलहाल में मैं कभी कभी, मेरा जब मूड करता है तो मैं कभी कभी पैसा अर्न करने के लिए भी बाहर चला जाता हूँ। मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत पैसे कमाना होता है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। जैसे अभी मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मुंबई में मैं SBI लाइफ में काम करता था। SBI जो है कि SBI बैंक, आप सुने होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहते हैं। और उसमें स्वाइप मशीन सेल करने का काम था, और काफ़ी अच्छा काम था, बट मैं उसको 2 महीने करके आ गया, क्योंकि ये वो थोड़ा टफ़ काम था। टफ काम कैसे था कि उस काम को देखिए, करने के लिए आपके पास बाइक होना चाहिए, और या फिर और भी साधन होने चाहिए, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं नया नया गया था और मेरे पास कहाँ से रहेगा। फिर भी मैंने उसको जम करके 2 महीना उस जॉब को करके आ गया, और 2 महीने का पेमेंट लेकर यहाँ पे घर पे आ गया। क्योंकि देखिए ज़्यादा मेरा भी मन नहीं करता कि ज़्यादा दिन जॉब करें, और उस जॉब में बहुत ज़्यादा ऊपर से, है ना, आप तो समझ ही रहे होंगे कि बॉस, जब तक अपने ऊपर बॉस रहता है तो क्या हालत होता है। तो एक चीज़ और सलाह देना चाहेंगे कि जॉब करिए अपनी ज़िंदगी में। मुझे तो जॉब करना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी लोगों को क्या ना करा दे, मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने जॉब किया। मेरा सपना है बहुत बड़ा कुछ करने का, या तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, या तो मैं बहुत बड़ा, मतलब जॉब करूं तो बहुत बड़ा जॉब करूं, छोटा मोटा जॉब नहीं करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने सपने को पूरे करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? और लोग अपनी तारीफ़ खुद के मुंह से नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई भी नशापत्ति या इसका आदि नहीं हूं, और मैं अपने काम को लेकर के बहुत सजग रहता हूं, और आगे होना भी ऐसा ही होगा मेरे साथ। और याद रखिए दोस्त, कि आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं आएगा, आपको धक्का कोई नहीं देगा कि ये चलो आगे बढ़ो,
आपको खुद ही अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभी और अपने माँ बाप का बात मानिएगा हमेशा, ये एक इस बात को यार गांठ बांध लीजिएगा कि ज़िंदगी में कोई रहे या ना रहे, आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा, याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि देखिए वो एक ऐसा इंसान है ना जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और जन्म देने वाला आपको ना पहला वो आपका टीचर होता है, ज़िंदगी का पहला टीचर वही होते हैं वो दोनों। और वो लोग जो सिखाएंगे आपको वही करना है, अपने मन से आप जो भी करिए लेकिन उनके खिलाफ़ जाकर के ना करिए, और ऐसा काम करिए कि उनके दिल को ठेस ना पहुँचे, और उनके नाम को रोशन करिए यार, है ना। और ज़िंदगी में ना कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन ले लेके काम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। काम को आराम से करिए, इज्जत से करिए, और हर लोग को सम्मान दे के करिए। ऐसा नहीं है कि आपसे आप आपके सामने कोई छोटा इंसान है या मान लो गरीब इंसान है, आप उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको इग्नोर कर दिए, ऐसा नहीं। आप उसकी हेल्प कर दो अगर आपके पास ऐसे बन रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसको उससे माफ़ी मांग लो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने आप को नीचा मत दिखाओ, शर्मिंदा मत करो। बाकी लाइफ बनाओ। देखो वो कहा जाता है ना कि एक दिन सबकी शादी होती है, मतलब रिश्ते बन जाते हैं, बंधन में बन जाते हैं, उसमें इसके बाद बहुत सारे ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, खर्चे होते हैं, सभी बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो इसलिए आप एक अच्छा करियर बनाइए, क्योंकि करियर रहेगा तो पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो शादी ब्याह अच्छे से होगा, और आगे चल करके जो जीवन होगा ना खुशहाल होगा, पैसे से ही खुशहाल होगा। कोई रिश्तेदारी, कोई इधर उधर, कोई मतलब जैसे बोला जाता है कि ये नातेदार हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये लोग कोई काम के नहीं आते। एक बात याद रखिएगा, रिश्तेदार काम आते हैं लेकिन बहुत कम काम आते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वो काम नहीं आएंगे। अगर आपका जो है कि आपका जो पर्सनल काम होगा, आपकी करियर जहाँ बन रहा होगा वहाँ पर काम नहीं आएंगे वो लोग, ठीक है। तो अपना करियर खुद से बनाइए। जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे लाइफ में कोई काम, मेरा कोई रिश्तेदार साथ नहीं दिया मैं जब बुरे वक्त में था, लेकिन मैं अपना साथ खुद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अकेला हूँ और अकेले ही मुझे सब कुछ करना है, और मेरे माता पिता हैं वो मेरा साथ ज़रूर देते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि एक बेटा होता है ना खुद मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप को जो है कि उसके लिए, एक अच्छा बेटा की बात कर रहा हूँ, नालायक बेटा की नहीं, अच्छा बेटा जो होता है वो खुद मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप को पैसा नहीं मांगेगा या तंग नहीं करेगा उनको बार बार, एक बार जो हो जाता है वो मांग लेता है, इसके बाद दोबारा नहीं, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, ठीक है। तो मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने माँ बाप से क्लास 10th के बाद एक पैसा भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। अगर वो अपने मन से देते हैं तो खुशी खुशी रख लेता हूँ, वरना नहीं मांगा। और मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया बच्चों को, मैंने पढ़ा के पैसा कमाया, मतलब अपने अंदर ना जो क्वालिटी है ना मैं लोगों को मतलब दिखाता हूँ, उससे पैसा अर्न करने की कोशिश करता हूँ। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरे अंदर आर्ट की कला है। और आपके अंदर भी बहुत सारा क्वालिटी होगा। देखिए एक इंसान के अंदर पूरी क्वालिटी नहीं होती, एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है और वो उसी में बहुत प्रगुण होता है, मतलब बहुत अच्छा कर लेता है वो। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर भी कोई क्वालिटी होगा, यकीन मानिए। किसी के चेहरे पे शरीर पे मत जाइएगा, वो क्या कर सकता है वो आपको भी नहीं पता। एक छोटा बच्चे को लोग बच्चा समझते हैं लेकिन वो बच्चा बहुत बड़ा कर सकता है, ठीक है। एक अमीर आदमी अमीर हो सकता है, ठीक है, और अमीर हो सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर होने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। लेकिन गरीब गरीब ही अपने आप को समझेगा तो कभी अमीर नहीं बन सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही बात है। तो देखो यार, अगर आप गरीब हो ना तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाओगे तो आपकी पूरी पूरी गलती है। क्योंकि देखिए आपके माँ बाप गरीब थे, उनके माँ बाप भी गरीब थे, उनके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन आप भी गरीब पैदा हुए। तो गरीब पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है ना, क्योंकि माँ बाप ने आपको जैसा संस्कार या जैसा मतलब आपका पालन पोषण किया वैसा ही। लेकिन अब आपकी बारी आती है खुद से उठने की ऊपर, और खुद से मेहनत करके
अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, इज्जत करना और उनको चार तीर्थ यात्रा घुमाना, ठीक है, उनको घुमाना जरूर अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा जरूर करा देना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर अपने माँ बाप को आपने चार धाम यात्रा करा दिया जी, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी ज़िंदगी की, और वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, और वो भी मैं करने वाला हूँ जल्द 2023 के अंदर ही। और आप अपने माँ बाप के लिए क्या करने वाले हैं, अपने सपनों के लेकर के क्या करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रेंज गेन टेक, रेंज गेन टेक, ये एक टेक्निकल चैनल है, इसमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा हमारे वीडियो को देख करके। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और उसमें बहुत कुछ आपको मोटिवेशन सीखने को भी मिलेगा। और हमारी सदस्यता ले लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी बातों को अगर अच्छी लगी थोड़ी बहुत भी तो ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच।